जबलपुर में डालडा मक्खन सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मिलाकर घी बनाने वाले के घर में दबिश, कोर्ट अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी अग्रिम कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा द्वारा जबलपुर में काला बाजारी में लिप्त मिलावट खोरों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके बाद विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल एवं समर वर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिष्ठा राठौर के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी गोरखपुर SPS बघेल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं थाना गोरखपुर की टीम द्वारा बड़ी अम्मा की कलारी के पास फेरी लगाकर घी बेचने वाले 56 वर्षीय बसंतलाल गुप्ता के घर में दबिश दी गई। दबिश देते हुए मौके से पन्नियों में पैक किया गया 22 किलो घी, 20 किलो मक्खन, 9 लीटर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, गैस भट्टी, गंज आदि जब्त करके जांच हेतु कोर्ट अधिकारियों को सैंपल दिए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर बसंतलाल गुप्ता ने डालडा मक्खन एवं सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मिलाकर भट्टी में गर्म घी बनाना स्वीकार किया है। उक्त कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद पांडे, सहायक उपनिरीक्षक राम गोपाल विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक अमित श्रीवास्तव, थाना गोरखपुर के उपनिरीक्षक ब्रजवान सिंह की सराहनीय भूमिका रही। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।